ठीक गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल दिस चैनल इज आयोनिक सुरभि और मैं हूं आपकी सुरभी सो आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल तो जैसा कि फेस्टिवल सीजन चल रहा है मैं यहाँ करने वाली हूँ इस वीडियो में एक लुक जो आप दोनों में यूज़ कर सकते हैं लाइक आप डांडिया में भी यूज़ कर सकते हैं और आप दुर्गा पूजा में भी यूज़ कर सकते हैं तो यहाँ पे मैं आपको एक छोटा सा मेकअप ट्यूटोरियल दिखाऊंगी इस वीडियो में आगे कि कैसे आपको एक सिंपल लुक क्रिएट करना है मैंने जस्ट ये आउटफिट पहन दिया है ये साड़ी uh, टाइप से मैंने ऐसे ही बांध दी है जस्ट मुझे पेयर करना नहीं आता है और देखते हैं कि वीडियो कैसी होने वाली है और लुक कैसा टर्न आउट होने वाला है बाय द वे मैं आपको बता दूँ कि प्लीज़ मेरे बैकग्राउंड को इग्नोर करना जस्ट बिकॉज मैं अपने घर पर नहीं हूँ और पीछे से कोई भी नॉइज आए तो उसके लिए वेरी 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 मच सॉरी अबाउट दैट तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं सारे मेकअप प्रोडक्ट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और हाँ कोई भी क्वरी हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो मे बी ये वीडियो वॉइस ओवर होने वाली है या फिर मैं बोलूंगी साथ में आगे वीडियो में आपको पता चल जाएगा बट जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं तो लेट्स गिट डाइविंग तो यहाँ कर लिया है मैंने अपने फेस को मॉइस्चराइज विद दिस पर्टिकुलर मॉइस्चराइजर मामा ट्वेंट फ्री फेस मॉइस्चराइजर इसके बारे में आपको मैं बहुत बार बता चुकी हूँ तो वीडियो को लेट नहीं करेंगे जल्दी से स्टार्ट करेंगे ओके देन आई एम गोइंग टू यूज दिस प्राइमर दिस एन वाई बेकअप प्राइमर सो तो यहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ ये एन बाई बे का प्राइमर जो कि बहुत ही इफ़ेक्टिव है बहुत ही अच्छा है आपके सारे पोर्स को फिलअप कर देगा और बहुत अच्छे से आपके फेस पे वर्क करेगा आपको एक अच्छा सा बेस दे देगा जिससे आप इजीली कोई भी फाउंडेशन कोई भी कंसीलर आप अपने फेस पर लगा सकते हो सो दिस इज़ अ वॉइस ओवर वीडियो तो मुझे वॉइस ओवर करनी पड़ रही है जस्ट बिकॉज मैं अपने घर पे नहीं हूँ पीछे से वॉइस आ सकता है सो दैट्स वाई आई एम डूइंग दिस वॉइस ओवर नेक्स्ट आई एम यूजिंग दिस एन वाई बे की प्रो स्ट्रोक क्रीम इन द शेड पिंक टोपाज एंड इट्स अ वेरी वेरी ब्यूटिफुल एंड ड्यूब ऑफ द लाइक जो आपने मैक की स्ट्रोप क्रीम देखी होगी ना उसकी बिल्कुल ड्यूप है लाइक उसको बीट करती है बिल्कुल इट्स गिव्स यू अ शाइन लाइक

भी चेकआउट कर सकते हो तो यहाँ मैं कंसीलर यूज कर रही हूँ इट इज हाइलाइटिंग कंसीलर और इसको मैं स्पंज की हेल्प से ब्लेंड कर रही हूँ क्योंकि ये स्पंज से ज़्यादा अच्छे से ब्लेंड हो जाएगा और यू कैन सी दैट इसने मुझे कितनी अच्छी एक कवरेज एक शाइन मेरे फेस पे दे दी है और एक हाईलाइट कर दिया है मेरे फेस को बिल्कुल ही डू सा लुक दे दिया है जस्ट बिकॉज इट्स अ हाईलाइटिंग कंसीलर सो या यू कैन यूज दैट कंसीलर विच इज़ लुक लाइक दैट और नेक्स्ट मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ मेब्लिन का फिट मी लूज़ पाउडर जो कि बहुत ही अच्छा लूज पाउडर है बहुत ही फाइन इसका कंसिस्टेंसी है बेस है इसका बहुत ही ज़्यादा अच्छे से आपके बेस को सेट कर देता है बिल्कुल भी केकी नहीं होने देता है एंड इट हैज़ अ वेरी फाइन पाउडर कंसिस्टेंसी तो आप इसको भी बाय कर सकते हो सारे प्रोडक्ट्स के लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे तो आप इज़िली चेक कर लेना और बाय द वे नायका और पर्पल पर बहुत अच्छी सेल चल रही है तो आप उसे भी चेकआउट कर सकते हो तो यहाँ आप देख सकते हो कि मैंने कितना अच्छे से अपना बेस तैयार कर लिया है कितना ब्यूटीफुल लग रहा है कितना फ्लॉलेस लग रहा है बिल्कुल भी केकी और पैची नहीं लग रहा है सारे डार्क स्पॉट्स रिंकल सब से कैंसल आउट हो गए हैं कंसीलर एंड पाउडर से सो आप ऐसे भी अब सेट कर सकते हो आई टाइम यूजिंग देयर फिट मी मे बी इन फिट मी का कॉम्पैक्ट पाउडर अगेन सो इससे भी मैं अपने फेस को सेट कर रही हूँ और जितना भी मैंने एक्स्ट्रा लूज पाउडर था ना वो वाइप ऑफ कर दिया है तो आप उसको वाइप ऑफ कर सकते हो बाद में ओके सो यहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ ये कॉम्पैक्ट एंड देन आई एम सेटिंग दिस बेस विद दिस एनवाई बेकर वे सेटिंग स्प्रे इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल सेटिंग स्प्रे एंड इट गिव्स यू अर शाइनी लुक यू कैन सी ऑन माय फेस कितना प्यारा लुक लग रहा है और इसकी फ्रेगरेंस आई जस्ट लव दिस फ्रेगरेंस नेक्स्ट मैं यहाँ आई पैलेट यूज़ कर रही हूँ एन सॉरी निका के का पैलेट इन द शेड ऑटम स्पाइस एंड इसमें से मैं ये शेड ले रही हूँ कोरल टाइप का थोड़ा सा ऑरेंजी कोरल शेड है जिसको मैं अपनी क्रीज लाइन के लिए बिल्ड कर रही हूँ और बहुत अच्छे से मैं इसको बिल्ड कर रही हूँ और बहुत प्यारा लग रहा है ये देखो ट्रांजिशन शेड मैंने एक अपने आई को दे दिया है तो मुझे यही थोड़ा सा लुक करना था क्योंकि जस्ट बिकॉज मेरा आउटफिट रेड और थोड़ा ग्रीन कलर का है फेस्टिव सीजन लुक है तो ये शेड अच्छा लगता है नेक्स्ट आई पर मैंने इसी तरह अप्लाई किया है तो कोई भी और डिफरेंट चीज़ नहीं की है बैक कैमरा मैंने नेक्स्ट टाइप पे भी अप्लाई कर लिया था नेक्स्ट मैंने लिया है ब्राउन शेड और मैंने इसको अपने आउटर कॉर्नर uh, पे मैं इसको प्लेस करके और ट्रांजिशन शेड के साथ मिक्स एंड मैच कर रही हूँ तो आप देख सकते हो सर्कुलर मोशन में ऐसे इनवर्ड अपवर्ड करके आप इस तरीके से मिक्स एंड मैच कर सकते हो और बहुत अच्छे से ब्लेंड करना जस्ट बिकॉज आई शेडो जब तक आप ब्लेंड नहीं करोगे अच्छे से तब तक ना वो अच्छा नहीं लगेगा तो दूसरे आई पे भी मैं यही लुक कर रही हूँ इसी तरीके से मैं ये ब्राउन कलर लेके दूसरे ब्रश की हेल्प से यहाँ आप मेरे हाथ में दो दो ब्रश देख रहे होगे तो दूसरे ब्रश की हेल्प से मैं यहाँ पे ब्लेंड कर रही हूँ उसको ईज़िली ब्लेंड हो रहा है ये बहुत अच्छा आई शेडो पैलेट है बहुत अफोर्डेबल है ये भी आप बाय कर सकते हो फेस्टिव सीज़न के लिए इन इनके आई शेडो पैलेट्स आर जस्ट वाओ मुझे बहुत पसंद है निकागे के आई शेडो पैलेट्स और देख सकते हो आप यहाँ पर कितने अच्छे से ये ब्लैंड हो गए हैं और कितने प्यारे लग रहे हैं शेड्स तो मैं इसको जस्ट ब्लेंड कर रही हूँ इन वर्ड अ वर्ड तो और यहाँ मैंने यूज़ किया है निकाके का अगेन आई शेडो पैलेट इन दी आ, सी, आ, शेड, सी शेड अंडर द सी शेड एंड इसमें से मैं ये हल्का सा मिंट ब्लू कलर लेके थोड़ा सा अपने आईलेट पे अप्लाई कर रही हूँ लाइक सेंटर आईलेट पे और इसको ब्रश की हेल्प से ब्लेंड कर रही हूँ ताकि कोई भी पैच ना रह जाए आ, इसको ब्लेंड कर रही हूँ बहुत अच्छे से ब्रश की हेल्प से मैंने ब्लेंड किया है इसको तो आप भी ब्लेंड कर सकते हो जस्ट बिकॉज मेरे आउटफिट में थोड़ा सा ग्रीन कलर है तो मैंने ये मिंट ग्रीन ब्लू कलर थोड़ा सा लिया था नैक्स्ट टाइम अगेन यूजिंग ऑटम स्पाइस और इसमें से मैं ये ले रही हूँ कोरल औरेंजी शेड दूसरा शेड है ये थोड़ा डिफरेंट uh, पहले वाले शेड से तो मैं इसको भी जस्ट ऐसे ही अप्लाई मिक्स एंड मैच कर रही हूँ ताकि एक अच्छा सा जो है ओम्ब्रे इफ़ेक्ट या ओम्ब्रे लुक आ जाए मेरी आइज़ पे बाय द वे मेरी आइज़ इतनी uh, बड़ी नहीं है तो बहुत स्मॉल है लाइक होडेड आइज़ है मेरी तो कुछ ज़्यादा अच्छे से आई मेकअप दिखता नहीं है बट ठीक है उस पर हम मेहनत कभी बाद में करेंगे जस्ट बिकॉज अभी तो फेस्टिव सीजन लुक करना है वहाँ पर इतना टाइम कहाँ होता है कि आप दूसरा और कुछ ट्राई कर सको डिक्रीज कर सको सो so, मैं ईजी सा लुक दे रही हूँ आपको जस्ट बिकॉज आप भी ट्राई कर सको नेक्स्ट मैंने उसी पैलेट में से सेम ग्लिटर शेड पिक किया है गोल्डन ग्लिटर कलर का एंड यू गाइस कैन सी इसने जान डाल दी है आई आई लुक में कितना प्यारा लग रहा है ये कितना ब्यूटिफुल है बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगने लगा था उसके बाद मुझे अपना ये लुक आइज़ का जस्ट बिकॉज मैंने इसमें आई शेडो जो है ग्लिटर वाला मिक्स कर लिया है इतनी जल्दी जल्दी मैं कर रही हूँ ना यहाँ पे कि सब कुछ अच्छे से बता पाना इट्स नॉट पॉसिबल बट फिर भी तभी मैंने ये वॉइस ओवर वीडियो की जस्ट बिकॉज अगर मैं बोल बोल के करती तो और भी ज़्यादा लंबा हो जाता वीडियो एंड यू गाइज कैन सी दैट बहुत ही ज़्यादा सुंदर लुक लग रहा है जल्दी जल्दी में मैं कर रही हूँ आप फेस्टिव सीज़न बहुत जल्दी जल्दी लुक क्रिएट कर सकते हो आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसीलिए मैं इजी पीजे सा लुक लेके आई हूँ अगर आप कमेंट करते हो तो मैं हैवी लुक भी लेके कर आऊँगी डेफ़िनेटली फॉर श्योर दिवाली से पहले मैं लेके आऊँगी और दिवाली लुक भी लेके कर आऊँगी उससे पहले बट दुर्गा पूजा के लिए तो आप ईजी पीज़ी सा ये लुक कर ही सकते हो डांडिया के लिए भी एंड किसी भी फेस्टिव सीज़न में फेस्टिव फेस्टिवल के लिए कर सकते हो नेक्स्ट टाइम यूजिंग दिस एन मेबलिन का सॉरी एन वाई बे बहुत प्रोडक्ट यूज़ किए तो वही निकलता है मेबलिन का फिटमी क्लासल बोल्ट आई लाइनर एंड इट्स अ वेरी अफोर्डेबल आई लाइनर अगैन यू कैन बाय इट फ्रॉम पर्पल फ्रॉम नायका फ्रॉम अमेजोन एनी वेयर जहाँ पर भी आपको ये लाइनर मिल जाए यहाँ पर देखो मैं ये लाइनर ड्रॉ करना चाह रही हूँ विंग आई लाइनर बट देखो मेरी विंग कितनी ख़राब हो गई है मतलब बन ही नहीं पा रही है कभी कभी तो वीडियो में ऐसा होता है कि होता ही नहीं है वो चीज़ ना और लोगों को लगता है मुझे मेकअप करना नहीं आता बट ऐसा कुछ भी नहीं है कभी कभी आपसे मिस्टेक्स होती हैं और वो ऑन कैमरा भी दिख जाती हैं हर मेकअप आर्टिस्ट से जो है मिस्टेक्स होती हैं सो so, यहाँ पे मैंने अपने लाइनर को ठीक कर लिया था और दूसरे आइज़ पे मैंने अप्लाई कर लिया है यहाँ पे आप देख पा रहे हो कितने अच्छे से मैंने फिर दूसरे आई पे लॉन्ग सा एक विंग बनाया है पतला सा जस्ट बिकॉज मेरी आइज होडेड हैं तो मेरे आँखों पे जो है पतला लाइनर ही अच्छा लगता है एंड देन आई एम यूजिंग दिस पर्पल का माय मोस्ट फेवरेट मस्कारा ओ माय गॉड दिस मस्कारा हैज़ अ नाइस हैज़ अ वेरी ब्यूटीफुल वॉल्यूम इट हैज़ एंड देखो आप कितने अच्छे से इसने लैशेस को कर्ल कर दिया है लेंथ दे दी है और फर्क देख सकते हो आप मेरे लैशेस में कितनी प्यारी और कितनी ब्यूटीफुल लग रही हैं मुझे ये मस्कारा इसलिए भी बहुत पसंद है इसका वॉन्ड इतना ज़्यादा फाइन है और बहुत अच्छे से आपके लैशेस को कर्ल कर देता है बिना आपके लैशेस को किए नेक्स्ट टाइम यूजिंग द स्विस ब्यूटी का आई शेडो सॉरी आईब्रो पैलेट एंड इसमें ये शेड ले रही हूँ मैं लाइट ब्राउन शेड विद वैक्स वैक्स क्रीम के साथ मिक्स करके मैं इसी के ब्रश की हेल्प से अपने आईब्रो को फिल कर रही हूँ और आप देख सकते हो किस तरीके से मेरी आईब्रो फिल हो रही हैं बहुत ज़्यादा फिल कर ली हैं वैसे मैंने आगे तक बट मैं ठीक कर लूँगी इसको बाद में तो इस तरीके से आप आई फिल कर सकते हो आई शेडो पैल वो सॉरी आईब्रो पैलेट भी ये बहुत अच्छा है बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल आईब्रो पैलेट है एंड अफोर्डेबल भी है तो आप इसको भी बाय कर सकते हो मैंने इत, इस वीडियो में जितने भी प्रोडक्ट्स यूज़ किए सारे के सारे मोस्टली अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स हैं बस कुछ में के प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जैसे कि वो लूज़ पाउडर था वो थोड़ा कॉस्टली है बट बाकी सारे आपको प्रोडक्ट्स अंडर फाइव मिल जाएंगे तो इसको एक अफोर्डेबल वीडियो भी बोल सकते हैं फॉर द फेस्टिव सीजन लुक बट मैं उसके लिए भी एक अलग से वीडियो लेके कर आऊँगी इफ़ यू आर डूइंग द कमेंट इन द कमेंट सेक्शन सो आप कोई रिक्वेस्ट ही नहीं करते हो अगर आप रिक्वेस्ट करोगे तो मैं ज़रूर लेके आऊँगी मैं यार इतनी मेहनत कर रही हूँ मतलब रिलेटिव्स के घर होके भी मैं वीडियो शूट कर रही हूँ तो आप कर सकते हो एंड देन आई एम यूजिंग दिस एन वाई बेका फेस पैलेट विच हैज़ द दिस कॉन्टोर एंड ब्राउन्स शेड लाइट ब्राउन शेड जिससे मैं अपने फेस को कर रही हूँ कॉन्टोर इसमें आपको ब्लश भी मिल जाएगा हाईलाइटर भी मिल जाएगा तो इट इज़ अ टोटली फुल ऑफ द फेस पैलेट विच यू विल गेट लाइक ब्रॉन्स शेड ब्लश शेड एंड हाईलाइटर शेड सो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो इट्स अ वेरी अफोर्डेबल ब्रांड ऑल्सो मैंने बताया था तो थ्री सेवेंटी फाइव रुपीज़ का जस्ट ये है और अभी तो सेल में आपको काफ़ी अच्छा मिल जाएगा दिवाली सेल आने वाली है तो वो भी मैं बताऊँगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट आई एम यूजिंग द स्टेक और की का ब्लश एंड आई लाइक दिस ब्लश यार देखो कितना सा पिंक कितना ब्यूटिफुल शेड इसने मेरे चिक्स पे दे दिया है और कितना प्यारा मेरा फेस लग रहे लगा है सारी मेकअप को अच्छे से ग्रूम करके इसको मैं सेट कर लूँगी स्पंज की हेल्प से ज़्यादा अच्छे से सेट हो जाता है स्पंज की हेल्प से आजकल मैं ब्लश वगैरह सेट करने लगी हूँ काफ़ी अच्छे से ये सेट हो जाता है तो यू गाइस कैन डू दैट ट्रिक ऑल्सो और इसके बाद मैं यूज़ करूँगी ये मास्टर क्रोम हाइलाइटर में ब्लीन का बहुत ही ज़्यादा ब्यूटिफुल हाईलाइटर शेड है ये लाइक रोज़ गोल्ड शेड है बहुत पसंद है यार बहुत पसंद है मुझे ये रिकमेंडेशन पे ख़रीदा था मैंने और मैं भी अब ये रिकमेंड करूँगी आपको सो यू कैन डेफिनेटली बाय दिस हाइलाइटर अब अभी आपको सेल में बहुत सस्ते में मिल जाएगा वैसे ये भी हाई एंड uh, पे जाता है बट आपको सेल में बहुत सस्ते में मिल जाएगा नेक्स्ट टाइम यूजिंग दिस नायका की मिनी लिपस्टिक इन दी शेड आई डोंट नो शेड कौन सा है मैं शेड दे दूंगी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी तो आप चेक कर लेना मधु शेड है आई थिंक ये रेड कलर का ब्यूटीफुल सा रेड कलर है ये लाइक टमाटर रेड कलर है सो so, मैंने सोचा कि जब दुर्गा पूजा लुक कर रहे हैं तो रेड कलर ही क्यों ना यूज़ करें बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है रेड कलर विद गोल्डन आइज एंड द ग्रीन आउटफिट के साथ सो यू गाइस कैन सी लुक कंप्लीट कर रही हूँ यहाँ पे मैं और कितने अच्छे से मेरा लुक कंप्लीट हुआ है तो बहुत ही इजी पीजी सा लुक है आप आराम से कर सकते हो बहुत ही ब्यूटीफुली कर सकते हो आप ये लुक सो जल्दी क्रिएट हो जाएगा कभी भी ट्राई कर सकते हो नॉट ऑन द दुर्गा पूजा और डांडिया आप कभी भी ट्राई कर सकते हो किसी भी फेस्टिव के लिए किसी भी शादी के लिए सो शादियों का सीज़न भी आ रहा है और ये ब्यूटीफुल सा लुक रेडी हो चुका है जिसको मैं सेट करी एन वाई वे के डुई फेस में फेस सेटिंग स्प्रे से एंड यू गाइज कैन सी कितना प्यारा सा ग्लोई इफेक्ट मेरे फेस पे इसने दिया है ओके okay, तो यहाँ हो गया है मेरा लुक रेडी और लग रहा है बहुत ही ब्यूटीफुल कैसा लग रहा है वैसा बाय द वे मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है आप बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में और ऐसे लुक देखना चाहते तो और भी कमेंट्स करिएगा मैंने यहाँ पर ज्वेलरी वेयर की है यहाँ पर ये मैंने झुमका पहन लिए है ग्रीन कलर के अपने आउटफिट के साथ एंड मैंने पहना ये मेटल uh, का कंगन सो हेयर इज़ द फाइनल फिनिश लुक तो कैसा लगा आपको मेरा ये लुक अगर आपको मेरा लुक पसंद आया हो तो डोंगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल बाय